आईपीएल 2023 इसके फाइनल के बाद जो कि चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता, तो इस फ्रेंचाइज के फैंस, एमएस धोनी के फैंस श्योर नहीं थे, अनश्योर से थे बेचारे कि अगले साल एमएस धोनी हमें एक्शन में नजर आएंगे नहीं आएंगे। ऑब्वियस ही बात है, रीजन ये थी कि एक ऐसा कप्तान, चलो जिसने इंडियन क्रिकेट टीम की तो कप्तानी की, उन्हें अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया, उसको छोड़ें, लेकिन जिसने चेन्नई की फ्रेंचाइज को 2010, 2011, 2018, 2021 और उसके बाद 2023 पांच मर्तबा आईपीएल टाइटल जिताया हो, और आईपीएल में आपको पता है दो ही फ्रेंचाइज या दो ही टीम्स ऐसी हैं जिन्होंने पांच पांच मर्तबा आईपीएल की ट्रॉफी को अपने हाथों में उठाया हुआ है, एक चेन्नई सुपर किंग्स है, दूसरी मुंबई इंडियंस है। तो अब ये फैंस बेचारे सारे सीएसके के ना बड़े परेशान से थे, धोनी का क्या फ्यूचर होगा। अच्छा, धोनी को खुद शोर नहीं था, ऑब्वियस सी बात है यार, वो एक बॉडी फिटनेस वो सारे मामलात, तो कोई भी शोर नहीं था कि धोनी जो है वो आईपीएल 2024 का पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे। धोनी का फ्रेम ऑफ माइंड ये था आईपीएल 2023 का फाइनल जीतने के इमीडिएट बाद कि यार बस करते हैं, मतलब आईपीएल मैंने अपनी फ्रेंचाइज को जितवा दिया, अपने फैंस को जितवा दिया, तो बस करते हैं, इट्स हाई टाइम, बड़ा राइट टाइम है, रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं, साइड मारते हैं। लेकिन फिर बीच में क्या कूदा, फैंस की मोहब्बत। ये मोहब्बत कमबख्त बड़ी जालिम चीज़ है, ये आपसे कुछ भी करवा जाती है। तो एमएस धोनी को अब ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ इंडिया नहीं, मतलब पूरी दुनिया में उस बंदे से रिलेटेड लोगों का एक क्रेज है यार, और रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि इंडियन है नहीं है, ना एमएस धोनी चीज़ों से ऊपर उठ चुका है, उसकी मोहब्बत या उसकी जो रिस्पेक्ट है ना क्रिकेट फैंस के दिल में, वो इन चीज़ों से ऊपर उठ चुकी है कि भाई इंडियन है नहीं है, कास्ट, क्रीड, जात पात, दीन, मजहब, रिलीजन, ना। तो एमएस धोनी अब वो फैंस की मोहब्बत बड़ी, वो जिसे कहते हैं इंतहाई स्ट्रॉन्ग किस्म की थी, एमएस धोनी को अब वो भी था कि रिटायरमेंट तो अनाउंस कर दूं, लेकिन वो फैंस, उनकी इतनी ज़्यादा मोहब्बत, जिधर जाता हूँ इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो धोनी के माइंड में ना वो बड़ा एक ड्यूल सा चल रहा था कि यार खेलूं ना खेलूं। अच्छा, एक तरफ बॉडी है, फिटनेस है, ऑब्वियस सी बात है यार, विद दी एज आपकी फिटनेस जो है उसका लेवल तो नीचे आता ही है ना, ह्यूमन बॉडी है। तो अच्छा, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ आईपीएल 2023 के इमीडिएट बाद के सारे मामलात। अच्छा, तो धोनी अनश्योर थे कि यार रिटायरमेंट का ऐलान कर दूं ना करूं। अच्छा, फैंस की मोहब्बत वो एक साइड पे पुल बैक कर रही थी कि किसी तरीके से एक साल और खेल जाओ, यानी कि आईपीएल 2024। अच्छा, बीच में नी घुटने का मसला आ गया धोनी के, अब वो नहीं समझ में आ रही थी धोनी को कि यार सर्जरी करानी पड़ेगी, क्या होगा, मैं रिकवर कर पाऊंगा आईपीएल 2024 तक, नहीं क्या बनेगा, वो एक अजीब सी डायलेमा वो भी धोनी के सर पर था। फिर क्या हुआ कि फिर धोनी ने जब नी की ट्रीटमेंट करानी शुरू की, तो उन्होंने खुद ही फिर सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर अपने फैंस को अपडेट किया कि भैया नी मेरी सर्जरी से बच गई है, रिहैब प्रोसेस मेरा चलना शुरू हो गया है, तो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ मतलब नवंबर तक ना मैं सेट हो जाऊंगा। और उस पर्टिकुलर टाइम में जब उन्होंने ये सोशल मीडिया पोस्ट की थी, तो वो कह रहे थे कि मेरी जो डेली लाइफ की रूटीन है, काम शाम है, वो एज इट इज स्मूथली चल रहे हैं, घुटना या नी उसमें कोई प्रॉब्लम है सच नहीं कर रहा। अच्छा, खैर ये भी एक लोगों के लिए या सीएसके के फैंस के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ थी कि धोनी की नी सर्जरी नहीं हो रही, ऑपरेशन से बच गई हैं, तो इसका मतलब है कि देर इज एवरी पॉसिबल चांस कि भाई आईपीएल 2024 के लिए धोनी जो है वो रेडी मिल जाएंगे। खैर ये स्पेकुलेशंस चल रही थी, अब आकर अचानक से सीएसके की जो फ्रेंचाइज है उन्होंने इन सारी स्पेकुलेशंस को, वो जिसे कहते हैं ना लेट टू रेस्ट, वो पुट टू बेड, वो कर दिया। सीएसके ने अनाउंस कर दिया कि 2024 के आईपीएल में धोनी भाई, वो थला बोलते हैं पता नहीं यार, माजरत जरा मेरी वो इतनी है नहीं अच्छी हिंदी या जो भी ये वर्ड जिस भी लैंग्वेज का है, मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उसका मतलब होता है बड़ा भाई या कुछ इस तरह, साउथ में शायद ये वर्ड यूज होता है। तो खैर, तो वो उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई साहब धोनी विल बी बैक, ठीक है, वो आईपीएल 2024 खेलेंगे और वो सीएसके की टीम को लीड करेंगे। तो उसके बाद से सोशल मीडिया के ऊपर इस पर्टिकुलर टाइम में हर तरफ धोनी हो रहा है, और अभी आईपीएल ने स्टार्ट होना है, आईपीएल तो आपको पता है मार्च अप्रैल के जाके विंडो में स्टार्ट होगा ना, लेकिन अभी से ही धोनी शुरू हो गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस बंदे का क्रिकेट से रिलेटेड, क्रिकेट की दुनिया में कितनी बड़ी इसकी फैन फॉलोइंग है, कितना बड़ा क्रेज़ है। एक रफ एस्टिमेटेड जो मैंने आगे पीछे मुख्तलिफ डाटा बेसिस में या कह लें वेबसाइट्स के ऊपर देखा है,
सीएसके धोनी को 12 करोड़ के करीब पे करती है सैलरी की सूरत में। जी हाँ, और ये धोनी, आपको एक मजे की बात बताऊं कि ये धोनी की तरफ से अमाउंट नहीं पुट किया गया, ये सीएसके खुद देती है। धोनी तो है कि वो उठ गया है, मैंने बताया ना वो इन चीज़ों से ऊपर उठ गया, वो फकीरी तबीयत में चला गया कि ठीक है यार जितने पैसे देती हो दे दो, कोई ऐसा मसला नहीं है, आई विल प्ले फॉर यू गाइज। तो धोनी का ना ये चल रहा है सीएसके के साथ। धोनी का मैंने आपको बताया वो 12 करोड़ लेते हैं। जो सबसे हाईएस्ट पेड सीएसके में प्लेयर थे वो थे बेन स्टोक्स हैं और प्लस रविंद्र जडेजा हैं। अच्छा, बेन स्टोक्स को सीएसके ने रिलीज कर दिया, उनको रिटेन नहीं किया सीएसके ने, ये एक बड़ी डिफरेंट किस्म की न्यूज़ है। जडेजा तो हैं लेकिन बेन स्टोक्स को रिलीज कर दिया सीएसके ने। अब ये देखना होगा कि मतलब नई भर्तियां सीएसके में क्या चलती हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आप वो अगर कोई प्लेयर ट्रांसफर या कुछ इस तरह, बल्कि शायद नहीं है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, प्लेयर ट्रांसफर की तो विंडो ही निकल गई है। तो अब मे बी वो जिसे कहते हैं डायरेक्ट कुछ समथिंग इसको ले लो, सम वो होता है ना प्लस माइनस कर कुछ लेती हैं, तो ये वो वाला चक्कर है। तो लेकिन खैर धोनी के फैंस के लिए तो बहुत बड़ी खबर है कि भाई साहब धोनी भाई विल बी बैक और वो खेलेंगे आईपीएल 2024 पूरी की पूरी, कप्तानी करेंगे। एंड देर इज एवरी पॉसिबल चांस कि धोनी जाते जाते, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये जो आईपीएल होगा ना आईपीएल 2024 ये धोनी का लास्ट होगा। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद धोनी कंटिन्यू कर पाएंगे और वो साइड ही मारेंगे इसके बाद। लेकिन अगर वो जाते जाते एक और टाइटल सीएसके को जिता जाएं तो क्या ही बात है, क्योंकि अगर सीएसके आईपीएल 2024 जीत जाते हैं तो फिर सीएसके आईपीएल की वो पहली टीम होगी जो कि 6 मरतबा ये टाइटल जीतेगी। अभी तो मैंने आपको बताया ना कि सीएसके और मुंबई इंडियंस 5-5 के ऊपर लॉक हैं। तो खैर अब देखते हैं, दो ढाई महीने का ये पूरा इवेंट चलेगा आईपीएल 2024। और मज़े की बात यह है कि आप चेक करें कि इस 2-2.5 महीने की विंडो में पूरी दुनिया में कहीं पर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही होगी ना, नो क्रिकेट, सिर्फ आईपीएल चल रहा होगा। पावर क्या करें, बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।